बीपीआईडी के प्रत्याशी मूल निवासी प्रमोद राम ने किया दर्जनों गांवों का दौरा। बीते दिनों गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पीपीआईडी यानी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी मूल निवासी प्रमोद राम ने अपने सहयोगियों के साथ दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ता कई मूल निवासियों से मिले और मिलकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी मूल निवासी प्रमोद राम को ही वोट देने की अपील की। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते सोमवार पीपीआईडी प्रत्याशी मूल निवासी प्रमोद राम ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टुंडी विधानसभा के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता और मूल निवासी विचारधारा को मानने वाले बुद्धिजीवी उपस्थित रहे, जिन्होंने टुंडी विधानसभा के मूल निवासियों से जनसंपर्क किया। मूल निवासियों से जनसंपर्क के दौरान मूल निवासी प्रमोद राम और पार्टी समर्थकों द्वारा लोगों को संविधान में निहित अधिकारों को बताया गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे इस देश में आज भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अगर पूर्ण रूप से लागू किया गया होता तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिलती, जो कि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आज मात्र 10-15% गैर मूल निवासियों के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति है। इसके अलावा देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में भी इन्हीं का दबदबा बना हुआ है, क्योंकि इस देश में संविधान को ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों ने कभी पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया। मूल निवासी प्रमोद राम ने कहा, जिस दिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सत्ता में आएगी, इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेगी। प्रमोद राम ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के अनुसार सभी वर्गों के बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, झारखंड में भी दो प्रकार की शिक्षा है, एक सरकारी और दूसरी निजी शिक्षा, लेकिन निजी शिक्षा काफी महंगी है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस गिरिडीह लोकसभा से जीतती है तो शिक्षा का सरकारीकरण करके इसे एक समान करेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका नाम भी संविधान से लिया गया है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लोकतंत्र बचाने और संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू करने की राजनीति कर रही है। मूल निवासी प्रमोद राम ने गिरिडीह की जनता से कहा, हमें आशा और विश्वास है कि गिरिडीह की जनता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को अपना बहुमूल्य वोट देकर मूल निवासी विचारधारा को सत्ता पर लाने में अपना योगदान जरूर देगी। उन्होंने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सभी SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज से अपील की है कि क्रम संख्या 7 पर फलों से युक्त टोकरी वाले चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आप इधर देख रहे हैं, जमीन एकदम पूरी की पूरी, हालात पूरा खराब है। उधर हमारे लोग रह रहे हैं और जंगल की ओर मतलब बसे हुए हैं। यानी उन्हीं के सपनों का हम भारत बनाने के लिए यहाँ पर लोगों के साथ और मिलने के लिए, पर्चा पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों की ये दुख क्यों है? आखिर संविधान इस देश में लागू है तो शहर में इतने सुखी संपन्न लोग क्यों है, और इस जंगल झाड़ में इतने दुखी संपन्न के साथ क्यों है? ये हम देखने के लाए हैं, लोगों के साथ मिलने के लाए हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल झाड़ी में तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए हैं पिछले 70-75 सालों से, लेकिन हमारे हित में जो काम होनी चाहिए वो नहीं किए। और पार्टी ये बता रही है कि हमारा जो उद्देश्य है जनता के लिए, गिरिडीह जनता के लिए, वो हम बता रहे हैं। और गिरिडीह के जनता जो है बताना ये चाह रही है कि हमें यहाँ सुदूर इलाके में तो है, लेकिन हमें शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ स्वास्थ्य का भी जो भी बहुत ख़राब हालत है, और यहाँ तो नौकरी का तो ना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। और हमें ये बताया जाता है कि हमारे साथ जो है एकदम रोजी रोटी का एकदम ना के बराबर होती है, और हम लोग किसी तरह
इधर उधर मजदूरी का काम करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं।